आप देख रहे हैं केवल लगातार बारिश नहीं होने से सुखाड़ जैसी स्थिति हो गई है, खेतों में दरारें आ गई है। किसान को क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्योंकि बारिश होना नहीं होना तो प्रकृति के हाथ में। नहीं देखिए, अभी सरकार ने और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि जैसे हर घर नल का जल, वैसे हर खेत को पानी देना इनका जो वो 12 एजेंडा था उसका एक हिस्सा है। और जैसे था कि पहले हर पंचायत में हाईस्कूल खोलने का, ये बात सबसे पहले मुख्यमंत्री जी ने हम ही ने आग्रह किया था ठाकुर के मंच पर कि सर हर पंचायत में हाईस्कूल होना चाहिए। और उसी दिन ये पहली घोषणा मुख्यमंत्री जी के ठाकुर में थी कि हर पंचायत में हाईस्कूल हमारे जी। तो ये हर खेत में जब तक पानी की व्यवस्था नहीं होगी सरकारी स्तर पर, सरकारी बोरिंग, सरकारी ट्रांसफार्मर की व्यवस्था नहीं होगी, तब तक किसान इस देश का कभी भी सर्वाइव नहीं कर सकता। कभी अधिक बृष्टि, कभी कम बृष्टि, कभी आंधी, कभी तूफान, दो चीज़ अगर सही ढंग से लागू हो जाए सरकार और किसानों को कुछ नहीं चाहिए, हर खेत को पानी और फसल का बीमा। फसल का बीमा कम से कम पैसे के लागत पे उसके पूरे फसल का जो है वो क्षतिपूर्ति उसमें सन्निहित हो, ये दो काम अगर सरकार कर दी। और इस ओर क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के मिजाज को हम लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और उनका तो सब दिन सानिक तौर पर मिलता रहा है, तो उनके स्वभाव को जहाँ तक मैं जानता हूँ ये तो उनके दिमाग में है और दोनों बहुत जल्दी हो जाएगा। और राज्यों की तो मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन बिहार शायद इस मामले में पहला राज्य होगा, ये मैं आपको बता। इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे जाने माने हस्ती पूर्व विधायक श्री माननीय गोपाल कुमार अग्रवाल जी।